ओके सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसी रही दिवाली? कैसी रही दिवाली तुम लोगों की? अच्छी, बुरी, ठीक ठाक? घटिया, लोनली, घर से दूर? अच्छा, सिर्फ एक ही बच्चे ने दिवाली अच्छे से मनाई, वो है दीपाली। चलो बाकी सबकी ऐसी बकवास ही रहे ना, कुछ एंजॉय करना सीखो, कुछ करवा लिया करो तो इतनी बुरी भी नहीं लगेगी। यार मेरी दिवाली तो मैं खुद ही एंजॉय कर लेती हूँ, तुम लोगों की तरह लोनली नहीं रहती ना मैं। सो सैड। कुछ भी नहीं, बड़ा दो दिन बहुत अच्छा है क्या? दिवाली में कौन पढ़ता है, ब्रेक तो लेना ही चाहिए। बेटा कितनी छुट्टी चाहिए? 3 छुट्टियां हो चुकी हैं, फ्राइडे की भी छुट्टी थी, सैटरडे की भी छुट्टी थी, संडे की भी छुट्टी थी, कितनी सारी छुट्टियां चाहिए। और आज तो वैसे भी भाई दूज है, सुबह उठो। और आज तो वैसे भी भाई दूज है, सुबह उठो, भाई को तिलक लगाओ, उसके बाद दिन भर फ्री। दिन भर करना क्या है, दिन भर पढ़ो। एनीवेज चलो, 10:05 हो चुका है, सो वी विल स्टार्ट विद द क्लास टुडे। हम लोगों ने नाउन एंड केसेस पढ़ा था पिछली क्लास में, सबको याद है ना नाउन एंड केसेस? मैंने आपको बताया था नाउन कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्टिव केस, नाउन कैन बी यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव केस, नाउन कैन बी यूज्ड एज डेटिव केस, एंड मोर ओवर नाउन कैन बी यूज्ड एज पजेसिव केस, है ना? तो पजेसिव केस में अप्रोस्ट्रोफी लगा के यूज किया जाता है, डेटिव केस में किसी को एड्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। नाउन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं और नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। तो दीज आर बेसिकली नाउन एंड केसेस। उसके बाद हमारा आता है नाउन एंड जेंडर। गुड मॉर्निंग शुभाशीष, गुड मॉर्निंग। उसके बाद हमारा आता है नाउन एंड जेंडर। अब सवाल ये उठता है सबसे पहले जब आप जेंडर पढ़ रहे होते हैं कि कितने टाइप के जेंडर होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर आर देयर? कम ऑन गाइस, स्पीक अप। 4। वो तो ऑब्वियसली सबको पता चल पा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 एरोज बना दिए हैं। नाम भी बताओ। मेल फीमेल इज कॉमन, जो सबको पता है। मेल फीमेल को हम क्या कहते हैं, मास्क्यूलिन एंड फेमिनाइन। मास्क्यूलिन जेंडर रिप्रेजेंट्स मेल एंड फेमिनाइन जेंडर रिप्रेजेंट्स फीमेल। और दो कौन से जेंडर हैं मेल फीमेल के अलावा? वेरी गुड विशाल, एक है तुम्हारा कॉमन और दूसरा है तुम्हारा न्यूटर, ठीक है। अब ये जो कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर रिप्रेजेंट्स बोथ मेल एंड फीमेल, एंड न्यूटर जेंडर रिप्रेजेंट्स neither male nor female, ठीक है। masculine gender is male, feminine gender is female, common gender में दोनों male भी female भी, मतलब professions इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे doctor, अब मैं डॉक्टर बोलती हूँ तो डॉक्टर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। टीचर बोलती हूँ तो टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स,
इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। जो न्यूटर जेंडर होते हैं वो बेसिकली ना मेल को रिप्रेजेंट करते हैं ना फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे विशाल बता रहे हैं ये नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग वाले जेंडर होते हैं उसको हम न्यूटर जेंडर में कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये तो तुम्हारे टाइप्स ऑफ जेंडर हो गया। अब इसका यूसेज ना विथ रिस्पेक्ट टू सेंटेंस हमें समझना है, क्योंकि जब आप मेल जेंडर की बात करते हैं तो इट इज वेरी स्पेसिफिक, इट इज वेरी कॉमन एंड इट इज वेरी ऑब्वियस कि हम ही, हिम, हिज ऐसे ही लगाएंगे। इन अ सिमिलर मैनर जब हम मैस्कुलिन जेंडर के बारे में, सॉरी जब हम फेमिनाइन जेंडर के बारे में बात करते हैं तो इट इज ऑल्सो वेरी ऑब्वियस कि हम वहां पर उनके साथ हमेशा शी, हर, हर्स यही लगाएंगे। इन अ सिमिलर मैनर जब हम न्यूटर जेंडर के बारे में बात करते हैं तब ऑल्सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि चूंकि वहां पे नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात हो रही होती है हम वहां पे इट, इट्स एक्सेट्रा लगाते हैं, करेक्ट। एंड जब आप कॉमन जेंडर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो सिंस वी लिव इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वी ऑलवेज गिव आवर फर्स्ट प्रेफरेंस टू मेल जेंडर। तो अगर मैंने डॉक्टर बोला, ठीक है, अगर मैंने डॉक्टर बोला और मुझे डॉक्टर का जेंडर नहीं पता तो मैं हमेशा उसको मेल कंसिडर करूंगी। अगर वहां पर कुछ ऐसा मेंशन है जिससे मुझे डॉक्टर का जेंडर पता चल पा रहा है और फीमेल जेंडर है तभी फीमेल आएगा। एज कॉमन, जो कॉमन जेंडर वाले वर्ड्स होते हैं उनके साथ मोस्टली मैस्कुलिन जेंडर वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ओके हाँ कि ना? यस, नाउ हैव अ लुक एट दीज सेंटेंसेस फर्स्ट। ऐसा तो शान जुनैद ने कहा, सॉरी ऐसे जुनैद ने कहा कि हिज को इट्स से रिप्रेजेंट कर दो। बट जुनैद आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि अगर आप इट्स से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये वाला इट्स नहीं होगा जुनैद, क्योंकि इस वाले इट का मतलब होता है इट इज, ठीक है। अप्रोस्ट्रोफी लगाते हैं तो इसका मतलब होता है इट इज, तो इसका मतलब जाता है द सन ग्लेयर्ड एट मी विद इट इज क्रूएल आइज, तो डजंट मेक एनी सेंस, सो इट बिकॉज ऑफ दैट वी आर यूजिंग इट्स क्रूएल आइज, ओके। फिर से वहां पे अप्रोस्ट्रोफी, डेथ विद इट्स, नेक्स्ट बिल्कुल ले सकते हैं गगनदीप, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, ये तो ये लोग आंसर कर रहे हैं, मैं लिख रही हूं, मैंने कुछ बोला होता तो आप उसको करेक्ट आंसर मानते, लेकिन मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। The moon is dancing in the sky with her bright light. The moon is dancing in the sky with her bright light. You are blur, ma'am. I'm not blur anymore. मैं बताऊं कि तुम लोग try कर रहे हो, कुछ तो बोलो। The
सबको डिलीट करो. विशाल कह रहा 1 2 3 4 5 6 7 करेक्ट. और 8 9 10 में किस किस किस. ठीक है, अब ऐसा होगा, ऐसा विशाल कह रहा है. ठीक है, अब मैं बताई देती हूँ, है ना. देखो यहाँ पर फिर से एक कंसेप्ट है जो गगनदीप भी बताने की कोशिश कर रहा था, उस कंसेप्ट का नाम है पर्सोनिफिकेशन. जब कभी भी हम किसी नॉन लिविंग थिंग को पर्सन की क्वालिटी से डिफाइन करते हैं, सिग्निफाई करते हैं, तो हम उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. ठीक है, अगर हम उस नॉन लिविंग थिंग को मेल की क्वालिटी से सिग्निफाई करेंगे तो हम उसके साथ मैस्कुलिन जेंडर यूज करेंगे. एंड इन अ सिमिलर मैनर अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग को फीमेल की क्वालिटी से पर्सोनिफाई करेंगे तो उसके साथ हम फेमिनाइन जेंडर यूज करेंगे. ठीक है, अब लिखा है The sun glared at me with his cruel eyes. अब आप मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि यहाँ पे मेल का जेंडर आएगा कि फीमेल का जेंडर आएगा. ऐसी कोई भी चीज जो स्ट्रेंथ, पावर, एनर्जी, फर्मनेस डिफाइन कर रही हो. आई एम रिपीटिंग अगेन, ऐसी कोई भी चीज जो स्ट्रेंथ, पावर, एनर्जी, फर्मनेस डिफाइन कर रही हो, उसके साथ आप मैस्कुलिन जेंडर यूज करेंगे. और ऐसी कोई भी चीज जो ब्यूटी, ग्रेस, जेंटलनेस, मॉडेस्टी, प्राइड, जेलसी डिफाइन कर रही हो, उसके साथ आप फेमिनाइन जेंडर यूज करेंगे. ठीक है, स्ट्रेंथ, एनर्जी, पावर, फर्मनेस, ऐसा माना जाता है इंडियन सोसाइटी में कि स्ट्रेंथ, एनर्जी, पावर, फर्मनेस जो है ना, ये मेल की क्वालिटीज है. ठीक है, ब्यूटी, ग्रेस, जेंटलनेस, मॉडेस्टी, प्राइड, जेलसी, ये सब फीमेल की क्वालिटीज होती हैं. तो जो चीज जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे जेंडर लगाओगे. ठीक है, क्लियर है सबको? एवरीवेयर, एवरीवेयर, राइट. अपनी जालिसी पे तुम्हें इतनी हंसी आ रही है तो फर्मनेस पे क्यों नहीं आ रही? फर्मनेस पे क्यों नहीं आ रही? कोई बात नहीं. द सन ग्लेयर्ड एट मी विद हिज क्रूएल आइज. एक्चुअली इट्स नॉट इंडियन सोसाइटी, इट्स लाइक एवरीवेयर, हर जगह यही माना जाता है. ठीक है, द सन ग्लेयर्ड एट मी विद हिज क्रूएल आइज. यहाँ पे जो सन है वो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ डिफाइन कर रहा है, लॉट्स ऑफ एनर्जी डिफाइन कर रहा है, तो उसके साथ आप मैस्कुलिन जेंडर ही यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर आईज लिखा गया है और सन का आईज नहीं है. दैट मींस कि इसको पर्सोनिफाई किया गया है और पर्सोनिफाई किया है सन जो क्वालिटी है वो मेल का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके साथ मैस्कुलिन जेंडर आएगा. डेथ विथ हिज बेयर हैंड्स. अब डेथ के पास हाथ तो होता नहीं है, अब डेथ को हैंड से सिग्निफाई किया गया है, दैट मींस कि उसको पर्सोनिफाई किया गया है, राइट. और डेथ तो इनेविटेबल है ना, तो उसको भी हम डिफीट नहीं कर सकते, राइट. तो लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ, लॉट्स ऑफ पावर, तो उसको भी हम मैस्कुलिन कंसिडर करेंगे और उसके साथ मैस्कुलिन जेंडर यूज करेंगे. इन अ सिमिलर मैनर थंडर इज मेकिंग हिज वे थ्रू द टाउन. थंडर, थंडर जो है वो उसमें भी पावर और स्ट्रेंथ होता है ना, हाँ कि ना.
थंडर में भी पावर और स्ट्रेंथ होता है ना। डर तो लगता है जब बिजली कड़कती है, तो यहां पर भी हिस्सा आएगा। लेकिन बेटा मून, मून क्या है? मून जेंटलनेस डिफाइन करता है, मून ग्रेस है, मून में ग्रेस है, मून ब्यूटीफुल है ना। तो हम उसको फीमेल की क्वालिटी से सिग्निफाई करते हैं और उसके साथ यहाँ पे हर लगाते हैं, ठीक है। चंदा को चंदा मामा नहीं समझना है, चांद जो होता है वो ब्यूटीफुल होता है, एंड ब्यूटीफुल इज अ क्वालिटी ऑफ अ फीमेल, है ना। तो उसके साथ हमेशा फीमेल जेंडर आता है। ये देखो आ गया ना, मुझे पता ही था ये आने वाला है। उसके बाद नेचर हैज शोन हर क्रुएल्टी ऑन द पीपल ऑफ वर्ज। बच्चे नेचर, नेचर जो होता है ना वो हमेशा फीमेल जेंडर में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अर्थ हमेशा फीमेल जेंडर में कंसिडर किया जाता है, तो उसके साथ हमने यहाँ पर हर लगाया। कभी भी किसी भी कंट्री का, हाँ कभी भी किसी भी कंट्री का नाम डिफाइन होना, तो कंट्री को, कंट्री के नाम, अगर कंट्री की कोई क्वालिटी डिफाइन करी जा रही हो तो किसी भी कंट्री के नाम के साथ हमेशा फीमेल जेंडर यूज किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ जब किसी कंट्री की जियोग्राफिकल कंडीशन डिफाइन की जा रही हो, सिर्फ और सिर्फ जब किसी कंट्री की जियोग्राफिकल कंडीशन डिफाइन करी जा रही हो, तो उसके साथ हम इट, इट्स या इटसेल्फ लगाते हैं। एस अगर उस कंट्री की कोई क्वालिटी बताई जा रही हो तो कंट्री के नाम के साथ भी हमेशा फीमेल जेंडर आता है। तो यहां पर कंट्री का नाम है और उसकी क्वालिटी डिफाइन करी जा रही है, तो उसके साथ फीमेल जेंडर आ गया। लेकिन यहाँ पर कंट्री एंड इट्स नेबर्स है, तो उसकी क्या कर रहे, ज्योग्राफिकल कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखो इट्स आ गया। 7 तक सबको क्लियर है? कैसे हम लोगों ने वहां पे हिज और हर लगाया? ऐसा तो नहीं है ना कि मैं खुद ही को समझा रही हूं, तुम लोगों को पता नहीं कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर ही है। लास्ट में बच्चे जो 8, 9, 10 है ना, उसको समझाती हूँ मैं यहाँ पे। थोड़ा थोड़ा आ गया, तुम 5 बार और वीडियो देखना फिर पूरा आएगा। हम जब बात करते हैं ना समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। बेटा जब भी ये वर्ड्स यूज किए जाएंगे ना सेंटेंस में, ओ शिट, फिर से लिखना पड़ेगा, गलत हो गया। अगर लिखा जाएगा समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, और लिखा जाएगा जब कभी भी ये वर्ड्स यूज किए जाएंगे ना, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, मैस्कुलिन जेंडर
मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर एडजेक्टिव एंड मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर प्रोनाउन आएगा. ठीक है, एवरीवन, एनीवन, समवन, नो वन, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, इन सबके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर एडजेक्टिव एंड मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर प्रोनाउन आता है. इन अ सिमिलर मैनर, इन अ सिमिलर मैनर, जब यहां पर समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग, ये थिंग थिंग वाले वर्ड आ जाएंगे, तो इनके साथ भी आएगा सिंगुलर वर्ब ही, लेकिन उसके बाद यहां पर आएगा इट्स एंड इटसेल्फ. ठीक है, इसके बाद आएगा इट, इट्स एंड इटसेल्फ, क्योंकि थिंग, ये जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे ना, इन सबको सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, इन सबके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, ऊपर वाले वर्ड्स के साथ मैस्कुलिन जेंडर यूज करते हैं चूंकि हमें उसका जेंडर नहीं पता होता, और नीचे वाले वर्ड नॉन लिविंग थिंग को स्पेसिफाई करते हैं, तो हम उनके साथ इट, इट्स, इटसेल्फ यूज करते हैं. इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? मत बोलो, है ना, बोल के क्या करोगे? ये मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, मुझे तो पता ही है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया था, फिर भी पढ़ा दिया कि कुछ कंफ्यूजन ना रह जाए मन में. अब उसके अकॉर्डिंग इसको देखो, तो एवरीवन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटीज वेल, करेक्ट. समवन इज गोइंग आउटसाइड विथ हिज ब्लू बाइसाइकिल एंड सेंटेंस नंबर 10 इज करेक्ट. Sentence number 10 is correct. Bolo, yes or no? Sentence number 10 correct kaise hai? Ye mujhe kaun batayega? Koi bhi unmute karke apni marzi se bata sakta hai, mujhe koi issue nahi hai. कैसे तो पूछे है मैंने, मैंने कहा सेंटेंस नंबर 10 करेक्ट कैसे है ये मुझे कौन बताएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, सबके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर एडजेक्टिव, सिंगुलर प्रोनाउन आता है, लेकिन यहां पर समवन के साथ सिंगुलर वर्ब तो आया हुआ है, लेकिन वहां पे हर पर्स लिखा है. ऐसा तुम्हें किसने बता दिया? वॉलेट ना अभी न्यू इन्वेंशन है, पहले हर कोई ना पर्स ही कहता था. और वॉलेट मतलब ये पर्स और लड़कों का वॉलेट से तो कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि बेझिझक मैं तो गर्ल हूं और उसके बावजूद आई यूज दिस, तो कैसे पता, कैसे तुम वो कर सकते हो? ये सब कुछ नहीं होता, लड़का लड़की का कुछ नहीं होता इसमें लॉजिक, ये तो शौक की बात है. विशाल, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर ये जो हर है, यहां पर ये जो हर है, ये एक्चुअली समवन के लिए यूज किया ही नहीं गया है. ठीक है, समवन हैज स्टोलन हर पर्स. मान लो मैं अभी आके कह रही हूं कि
मान लो मैं विशाल को बता रही हूँ कि किसी ने उसका पर्स चुरा लिया, तो उसका पर्स, पर्स के ऊपर हम उस लड़की का पजेशन डिफाइन कर रहे हैं, है ना। थीफ के लिए वहां पे हिज हर नहीं आया है, है ना। वो पर्स किसका था उसके लिए वहां पर हिज और हर आया हुआ है। तो वहां पर चूंकि वो समवन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, हम वहां पर हर यूज कर सकते हैं। अगर वो समवन को रिप्रेजेंट कर रहा होता तो हम बिल्कुल यूज नहीं करते। नहीं, ये तो मेरा शौक है। समझ आया? टेंथ क्लियर हुआ कि वो जो वहां पर हर आया हुआ है वो पर्स के ऊपर पजेशन डिफाइन करने के लिए आया हुआ है, समवन को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं आया हुआ है। इसी वजह से हम वहां पर हर पर्स बोल सकते हैं। ठीक है मैम, पर्स के लिए ही नहीं यूज कर सकते बेटा, बेझिझक यूज कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर तो हर पर्स, जैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ विशाल, किसी ने ना उसका पर्स चुरा लिया, अब मुझे पता है ना कि उसका पर्स में वो लड़का है कि लड़की है। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि लड़की है, तो तुम अपनी मर्जी से उसको लड़का क्यों बनाओगे? मतलब अगर हिज दिया होता तो भी सही था, तो भी सही था, तो भी सही है। हाँ बिल्कुल ठीक है। उसमें बेझिझक हम अपनी मर्जी से कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अगर उसमें हिज दिया हुआ होता तो हिज पर्स इज ऑल्सो करेक्ट, अगर उसमें हर पर्स दिया हुआ है तो हर पर्स इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन। इजी से फटाफट बताना, ठीक है। नाउन एंड जेंडर को हम लोग खत्म ही करते हैं। देखो नाउन में ना तीन चीजें होती हैं, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड केस, एंड नाउन एंड जेंडर। ये तीन चीज अगर समझ में आ गया ना तो नाउन समझ में आ गया। मान लो फर्स्ट इज, आर यू मैड? डॉक्टर एंड हर पेशेंट, ऐसे ही दो लोग हो गए, इज क्यों करेंगे? First his. ऐसा शुभाशीष ने बताया। Second, the teacher is teaching with a red pen in her hand. Red pen. क्या होगा? करेक्ट, टू एंड थ्री करेक्ट। लेकिन गगनदीप कह रहा है कि इसमें होगा हिज, थ्री करेक्ट। फोर फाइव सिक्स सेवन, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, दो मिनट में आंसर चाहिए मुझे। फोर फाइव सिक्स सेवन, कम ऑन गाइस। मत बता, नहीं बता देती हूँ।
जहां पर प्रोफेशन यूज है, मैंने पहले ही बता दिया कि जहां पर प्रोफेशन यूज है और उसका जेंडर हमें नहीं पता, उसके साथ हम हमेशा मैस्कुलिन जेंडर कंसिडर करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा द डॉक्टर और हमें डॉक्टर का जेंडर नहीं पता है कि डॉक्टर मेल है कि फीमेल, तो हम क्या लिखेंगे, द डॉक्टर एंड हिज पेशेंट आर टॉकिंग लाउडली, द टीचर इज टीचिंग विथ अ रेड पेन इन हिज हैंड, क्योंकि हमें नहीं पता कि टीचर का जेंडर क्या है, करेक्ट। लेकिन जब यहाँ पर लिखा है द वुमेन डॉक्टर तो हमें पता चल गया कि डॉक्टर वुमेन है, तो इनके साथ हर पेशेंट ही आएगा, ठीक है। तो जहां पर भी हमें जेंडर नहीं पता होता वहां पर हम मैस्कुलिन कंसीडर कर लेते हैं, जहां पर पता होता है वहां पर फेमिनाइन लगा देते हैं। उसके अलावा दुनिया में सिर्फ तीन ऐसी चीज है, क्या क्या, बेबी, चाइल्ड और इन्फेंट। तीन ऐसी चीज है, बेबी, चाइल्ड और इन्फेंट, जिसके साथ कोई पार्शियलिटी नहीं है। अगर हमें इनका जेंडर नहीं पता होता तो हम इनके साथ इट, इट्स, इटसेल्फ लगाते हैं, और अगर जेंडर पता होता है तो अकॉर्डिंगली हम यूज करते हैं। द बेबी हैज ब्रोकन इट्स लेफ्ट आर्म, ठीक है। द चाइल्ड हु इज प्लेइंग हैज ब्लू बॉटल इन इट्स हैंड, क्योंकि यहाँ पर मुझे बेबी का जेंडर नहीं पता, यहाँ पर मुझे चाइल्ड का जेंडर नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मुझे पता है द चाइल्ड हु वॉन द कॉम्पिटिशन लास्ट नाइट वॉज अ बॉय, हमें यहाँ पर पता है इसका जेंडर, तो हम यहाँ पर ही लगाएंगे। द बेबी वॉज अ गर्ल, हमें यहाँ पर बेबी का जेंडर पता है तो हम यहाँ पर शी लगाएंगे। जहां पर जेंडर पता होता है वहां पर हम ही और शी ही यूज करते हैं, जहां पर जेंडर नहीं पता होता वहां पर हम इट, इट्स, इटसेल्फ लगाते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? ग्रेट। उसके बाद ये एक छोटा सा कंसेप्ट, रूल्स ऑफ आपका नाउन स्टार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको जरा देखो, इन सेंटेंसेस को जरा देखो, मैं बस एक मिनट में आ रही हूँ, ठीक है। यू गाइस सॉल्व द सेंटेंसेस एंड राइट योर आंसर्स हियर। डे बाय डे क्यों कल मिलते हैं, अभी मिलेंगे, अभी मैं छुट्टी थोड़ी डिक्लेयर की हूँ। डे बाय डे, डोर टू डोर, वेरी गुड। यहाँ पे डे बाय डे हो जाएगा, यहाँ पे डोर टू डोर हो जाएगा, वेरी गुड। सेकंड में क्या होगा, कार्स आफ्टर कार्स, कार आफ्टर कार होगा मैम। शुक्र है, मुझे लगा यहाँ पे भी तुम लोग गड़बड़ करोगे। उसके बाद ये तो बहुत आसान है, जल्दी जल्दी बता दो। आई हैव गिवन हिम 2000 रुपीस, आई बॉट 4 डजन ऑरेंजेस, 6000 रुपीस, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ रुपीस, 1 मिलियन रुपीस, ठीक है, या 1 मिलियन ऑफ रुपीस, जैसे भी देखो। यहाँ पे ना बहुत शॉर्ट में कंसेप्ट समझा देती हूँ।
दो नाउन है, ठीक है, दो नाउन है, प्रेपोजिशन से कनेक्टेड है और दोनों नाउन सेम है, और दोनों नाउन सेम है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। जैसे यहां पे लिखा था डे बाय डे, प्रपोजिशन से कनेक्टेड है, दो सेम नाउन है तो दोनों हमेशा क्या होगा, दोनों हमेशा सिंगुलर होगा। इसीलिए आपने डे बाय डे किया, इसीलिए आपने कार आफ्टर कार किया, इसीलिए आपने डोर टू डोर किया। अब उसके बाद क्या है कि दो नाउन है, ठीक है, दो नाउन है, प्रपोजिशन से कनेक्टेड है और ये दोनों नाउन डिफरेंट है, और ये दोनों नाउन डिफरेंट है तो ये हमेशा प्लूरल यूज किया जाएगा। जैसे यहां पर आप देखो क्या लिखा है, थाउजेंड ऑफ पीपल, ऑफ से कनेक्टेड है तो ये हमेशा प्लूरल होगा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ये हमेशा प्लूरल होगा, मिलियंस ऑफ रुपीस ये हमेशा प्लूरल होगा, थाउजेंड्स ऑफ रुपीस, ठीक है, ये हमेशा प्लूरल होगा। अब एक और चीज बताओ, हम लोग बोलते हैं ना फाइव बुक्स, मैम हाँ मैम अगर डिफरेंट हुआ तो जो फर्स्ट तो प्लूरल होगा, लेकिन सेकंड सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? सेकंड ना बेटा वैरी करता है काउंटेबल अनकाउंटेबल पे, मतलब है ना, अगर अगर दोनों हो सकते काउंटेबल, अगर काउंटेबल है तो प्लूरल ही होगा, अनकाउंटेबल है तो फिर वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे लाइफ, हैं। ओके मैम, तो लाइफ यूज किया जा सकता है ना, लेकिन काउंटेबल नाउन है, पीपल है, रुपीज है तो ये हमेशा प्लूरल ही होगा, ओके मैम। ठीक है। अब जैसे कि ना यहाँ पे देखो फोर फाइव और सिक्स, देखो फोर फाइव और सिक्स देखो। अब अगर मान लो कि मैंने तुम्हें ये बोला 10 किलोमीटर्स, तो 10 किलोमीटर्स इज करेक्ट, राइट, 10 किलोमीटर्स इज करेक्ट। अब अगर मैं बोल रही हूं 10 किलोमीटर लॉन्ग, तो क्या आप यहाँ पे किलोमीटर्स लगा सकते हो, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं 10 किलोमीटर्स लॉन्ग? नहीं, यहां पर फिर ये क्या हो जाता है, 10 किलोमीटर लॉन्ग। अगर मैंने बोला 5 रुपीज, तब तो ये करेक्ट है, 5 रुपीज अगर मैं बोल रही हूं तब तो ये करेक्ट है, लेकिन अगर मैं बोल रही हूं 5 रुपी नोट, तो क्या 5 रुपीज नोट कहते हो? नहीं कहते। मतलब जब दो नाउन साइमल्टेनियसली आता है ना, जब दो नाउन एक साथ आता है तो पहले वाला नाउन हमेशा एस के बिना यूज होता है, पहले वाला नाउन हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, उसके साथ हम प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करते। इसी वजह से थाउजेंड और रुपीज दोनों नाउन है तो जो पहले वाला नाउन है वो हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। डजन ऑरेंजेस दोनों नाउन है तो जो पहले वाला नाउन है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। थाउजेंड रुपीज दोनों नाउन है लेकिन जो पहले वाला नाउन है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। गॉट इट? क्लियर है? और एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने और बताया कि जब कभी भी दो नाउन प्रेपोजिशन से कनेक्टेड है, जब कभी भी दो नाउन प्रेपोजिशन से कनेक्टेड है और नाउन डिफरेंट है तो ये वाला नाउन हमेशा क्या होगा, प्लूरल बताया मैंने, लेकिन इसके पहले अगर कोई एडजेक्टिव यूज है तो ये भी सिंगुलर ही होगा। जैसे यहाँ पर ये 1 मिलियन, 1 यहाँ पर एडजेक्टिव यूज है तो ये सिंगुलर ही होगा। इट्स नॉट ओनली अबाउट 1, अगर यहाँ पे 2 होता ना तो भी आप 2 मिलियन रुपीज ही बोलते या 2 मिलियन ऑफ रुपीज ही बोलते, है ना, वहां पे 2 मिलियंस नहीं होता। सो इट इज लाइक दिस, गॉट इट?
उसके बाद बच्चे जितने भी रूल्स हैं नाउन के वो सब हमारे पढ़े हुए रूल्स हैं, तो हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, फटाफट करेंगे, तुम ही लोग मुझे इसका आंसर बताओगे। ये तो सबको पता है, पेयर वाली चीज, पैंट्स, पजामा, ट्राउजर, शॉर्ट्स, निकर्स, सिजर्स, टॉम, सनग्लासेस, बाइनोक्युलर्स, इन सब के साथ हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म यूज किया जाता है, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है, और कभी भी हम एस हटाकर इन इन नाउन को सिंगुलर नहीं बनाते, दे आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म ओनली। इन अ सिमिलर मैनर दीज आर सर्टेन वर्ड्स जो किसी नेम को डिफाइन करता है, नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, नेम ऑफ अ डिजीज, नेम ऑफ अ स्पोर्ट्स, तो हम इसको भी इसका भी एस नहीं हटाते, लेकिन ये सिंगुलर मीनिंग को डिनोट करता है, तो इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। इसमें एक्सेप्शन क्या था, एक्सेप्शन बताना विशाल एक बार। इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है, कैलकुलेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, व्हेन एवर मैथमेटिक्स इज यूज्ड एज कैलकुलेशन तो वहां पर प्लूरल वर्ब लगाएंगे, एंड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड एज डेटा तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। एल्स दीज वर्ड्स डिफाइन सिंगुलर मीनिंग, तो इनके साथ हमेशा क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। मोर ओवर यहां पर अब जो वर्ड्स आने वाले हैं ये प्लूरल मीनिंग वर्ड्स होते हैं, सबको पता है सारे वर्ड्स का मीनिंग, ठीक है, इनके साथ कभी भी एस और ईएस नहीं लगता है क्योंकि इनका ओरिजिनल फॉर्म ही प्लूरल मीनिंग को कंसिडर करता है, तो इसके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं। एंड इन अ सिमिलर मैनर दीज आर सर्टेन वर्ड्स जिसका सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, हम सिंगुलर में भी फिश बोलते हैं, प्लूरल में भी फिश बोलते हैं, सिंगुलर में भी शीप बोलते हैं, प्लूरल में भी शीप बोलते हैं, इनका फिशेस शीप मतलब इनका प्लूरल फॉर्म हम सिर्फ तब यूज करते हैं जब हम इनकी वैरायटी डिफाइन कर रहे होते हैं, करेक्ट, एल्स इनका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। ये तो सबको याद है, ये सबका पढ़ा हुआ है, एम आई राइट, याद है सबको। Glad to hear that. उसके बाद अब बस एक छोटी सी चीज यहां पर बच गई, ये वाली, ये तो फिर आज नहीं करेंगे, ये हम लोग कल की क्लास में करेंगे। Noun is about to finish now. फिर हम प्रोनाउन शुरू करने वाले हैं। ना ना छुट्टी कैसे करते, वर्ड्स करेंगे, वर्ड्स की कमी है क्या दुनिया में? इमोशनल मोमेंट। एनीवेज हम लोग अभी कुछ वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखूंगी और आप सबको क्या करना है, आप सबको उसकी मीनिंग मुझे बतानी है, ठीक है। लेकिन ये जो वर्ड्स है ना, दीज आर नॉट रैंडम वर्ड्स, ठीक है, जो वर्ड्स मैं यहां पर लिखने वाली हूँ ये कोई रैंडम वर्ड्स नहीं है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने एक बार आपको वो करवाया था, फोबिया, मेनिया, सबको याद है, फोबिया मेनिया करवाया था मैंने एक बार, सबको याद है, हाँ जी सबको याद है। तो आज मैं जो आपको वर्ड्स कराऊंगी दैट विल बी रिलेटेड टू, अच्छा कर लिया, कैमरा तो ऑन ही है, मैंने कब बंद किया, दैट विल बी रिलेटेड टू, अच्छा शुभशीष को नहीं पता, शुभशीष कोई बात नहीं, मैं आपको फोबिया मेनिया का लिस्ट दे दूंगी, दैट विल बी रिलेटेड टू लॉजिक,
लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी इज व्हाट? स्टडी ऑफ एनीथिंग. वेरी गुड. लॉजी इज स्टडी ऑफ एनीथिंग. अब सबसे पहले इजी इजी पूछते हैं. आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी इज व्हाट? पुरानी चीजें. क्या मैंने आर्कियोलॉजी की स्पेलिंग करेक्ट लिखी है? और अगर गलत लिखी है तो उसको करेक्ट करो. दैट इज करेक्ट. पुरानी चीजें, हिस्ट्री, स्टडी ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, स्टडी ऑफ ओल्ड थिंग्स. आर्कियो में यहां पर ओ और आता है. वेरी गुड. आर्कियोलॉजी, वेरी गुड, वेरी गुड शुभाशीष, वेरी गुड जुनान, क्वाइट गुड. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एंटोमोलॉजी? एंटोमोलॉजी, क्या बात है, वेरी गुड. एंटोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. वेरी गुड. एंटोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? Very good, Vishal. Anthropology, study of mankind, study of humans. Very good. What is etymology? Etymology. डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स. बेटा जहां पर आप एटीमोलॉजी याद करते हैं वहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, लेक्सिकोग्राफी. व्हाट इज दिस? लेक्सिकोग्राफी. मैम डिक्शनरी. Dictionary is the right answer. Very good. Dictionary is the right answer. Numismatics. ये सब easy easy पूछ रही हूँ, तुम लोगों को पता होना चाहिए. Numismatics. Come on. Numismatics तो exam में आया हुआ word है. Study of coins. Study of कॉइन्स. डिक्शनरी की स्पेलिंग क्या होती है पहले तो ये बताओ. हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है. ऑर्निथोलॉजी. न्यूमिस्मेटिक्स इज कॉइन्स एंड मेडल्स. ऑर्निथोलॉजी इज बर्ड्स. वेरी गुड. एक ना बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी बड़ा फेमस हुआ. पहले उतना फेमस नहीं था, मतलब फेमस क्या, पहले भी आता ही था लेकिन इधर कुछ ज्यादा ही लॉकडाउन में फेमस हो गया. अर्थक्वेक. अर्थक्वेक इज द राइट आंसर. वेरी गुड. सिस्मोलॉजी इज अर्थक्वेक, रिलेटेड टू अर्थक्वेक. और एक और वर्ड है जो इम्पोर्टेंट है, पैलियंटोलॉजी. पैलियोंटोलॉजी इज वॉट? एक सेकेंड, दिख नहीं रहे ना. ना इट्स नॉट डायनासोर्स. पैलियोंटोलॉजी क्या होता है शायद? हम फॉसिल्स का शायद. फॉसिल्स राइट. फॉसिल्स इज द राइट आंसर. वेरी गुड. फॉसिल्स इज द राइट आंसर. एंड मटीरियोलॉजी में ना एक ऑप्शन जरूर होता है, स्टडी ऑफ मेटियोर्स, लेकिन ऐसा नहीं होता. मटीरियोलॉजी क्या होता है? एटमॉस्फेयर. प्लैनेट्स भी नहीं होगा. प्लैनेट्स भी नहीं होगा.
हेवेनली बॉडीज और ये सब की जो पढ़ाई होती है ना उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। मैम ये मेट्रोलॉजी तो वही वाला होता है ना जो बताते हैं मौसम विभाग के होते हैं। मौसम विभाग होगा ना फिर, एटमॉस्फेयर कैसे होगा, वेदर फॉरकास्ट होगा ना। ओके यस मैम, मौसम विभाग करेक्ट आंसर है, तुम उसका इंग्लिश गलत बता रहे हो। ओके फिलोलॉजी वही तो सीखना, इंग्लिश ही तो खराब है। वही तो मैं भी सोच रही हूँ, मौसम विभाग बोल रहा है फिर इंग्लिश में एटमॉस्फेयर बोल रहा है, एटमॉस्फेयर तो अलग हो जाता है ना बेटा, वो तो फिर एनवायरमेंट से रिलेट हो जाता है। यस मैम बताओ फिलोलॉजी बताओ। ये नहीं पता, इजी है, सोचोगे तो पता चल जाएगा। ऑप्शन दो। ऑप्शन से तुम, ऑप्शंस मेरे पास है नहीं ना लिखे हुए हैं, मैं क्या दूंगी फिर उल्टा पुलटा हो जाएगा। फिलोसफी नहीं है बच्चे, ये फिलोलॉजी है, फिलोसफी नहीं है। क्यों ऑप्शन से मैम जो पता होते हैं उनको हटा देते हैं, जो नया दिखता है वही होगा आंसर। स्टडी ऑफ केव्स, स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग, स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। दोबारा से ऑप्शन मत पूछना, मैं भूल गई हूँ। लेकिन स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस इज द राइट आंसर, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस इज द राइट आंसर। ये बार बार ये जुनैद बोल रहा है हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग को क्या बोलते हैं? जुनैद ने वहां पे लिखा ना हैंड राइटिंग, तो हैंड राइटिंग वाली स्टडी को क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। तो बेटा वो मतलब, हाँ मतलब वो एक हैंड राइटिंग का एक बहुत यूनिक सा स्टाइल हैंड राइटिंग के लिए यूज किया जाता है। स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग को क्या बोलते हैं? हैंडराइटिंग की स्टडी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? विशाल क्या बोलते हैं? बोलते होंगे कुछ। हाँ कुछ तो बोलते ही होंगे, मैं कब बोल रही हूँ कुछ नहीं बोलते। स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग इज ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग। ठीक है, ये ग्राफ से रिलेटेड नहीं होता है, स्पेलिंग में लिख देती हूँ वरना कंफ्यूजन ना हो जाए कभी फ्यूचर में। इट्स ग्राफोलॉजी। ठीक है, क्लियर है सबको? लॉजीज कई सारी हो गई ना आज। मैम ये याद कैसे हुआ आपको इतने सारे? बेटा ये ना, ये इसमें से जितने भी मैंने वर्ड्स लिखवाए हैं ना यहाँ पे, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। विशाल है कि नहीं? अगर तुमने प्रीवियस ईयर सेट लगाए होंगे तो तुम्हें पता होगा। यस मैम, एक भी मैंने अपनी मर्जी से नहीं पूछे, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। जब आप प्रीवियस ईयर सेट्स लगाने शुरू करोगे ना, जैसे मैंने बहुत लगाए हैं, बहुत मतलब बहुत, तो जब तुम भी प्रीवियस ईयर बहुत आया है। हाँ तो वही तो, प्रीवियस बहुत आया, न्यूमिस्मेटिक्स बहुत बार आया हुआ है यार, पैलियंटोलॉजी बहुत बार आया हुआ है। तो जब आप प्रीवियस ईयर सेट्स लगाने शुरू करोगे ना, तो ये वर्ड्स इतनी बार आते हैं ना कि खुद ही याद हो जाता है। सेट्स लगाने आप शुरू तो करो ना, उन तक पहुंच गए हो तुम लोग, मेजर सारे टॉपिक्स तुम लोगों के खत्म हो गए। एक बार नरेशन वॉइस हो जाए और प्रपोजिशन कंजंक्शन हो जाए, फिर इंग्लिश में बचा ही क्या है? नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब तो सब कर लेते हैं। तुम लोगों के मेजर टॉपिक्स मैंने खत्म करवा दिए हैं। सिर्फ मेजर टॉपिक्स में अभी तुम्हारे चार टॉपिक्स रह रहे हैं एसएससी एस्पायरेंट्स के लिए, नरेशन वॉइस प्रपोजिशन कंजंक्शन, और बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए तो सिर्फ तीन टॉपिक्स रह रहे हैं, दैट इज एडवर्ब प्रपोजिशन कंजंक्शन। जिस दिन ये तीनों टॉपिक खत्म ना, समझो आधी इंग्लिश खत्म, फिर कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना आप शुरू करो, सेट्स लगाने शुरू करो, एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चंस लगाने शुरू करो, जहां मिलता है वहीं लगाना शुरू कर दो। खुद जो बोलते हो ना, अगर सुन के लग रहा है ना अरे यार कुछ गलत जा रहा है, उसमें भी एरर ढूंढने की कोशिश करो, तो बहुत जल्दी इम्प्रूव करोगे। ठीक है, चलो आज की क्लास तो यहीं तक रखते हैं। बहुत अच्छा करते हो, अटेम्प्ट तो पूरा ही करना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इससे ना कम से कम आपको ना एग्जाम में ये आइडिया होता है कि ये वाला छोड़ देने में ही भलाई है, क्यों
क्यों नेगेटिव मार्किंग लेना. तो दिस दिस रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है. चलो बाय बाय, टेक केयर. अभी नेक्स्ट क्लास है, तुम लोग उसको ज्वाइन करो.